झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा नगर निगम में महिला सफाई कर्मी ने किया प्रदर्शन। नगर निगम धनबाद में सैकड़ों की संख्या में सफाई मजदूर, चालक, पर्यवेक्षक, वार्ड सेवक की नौकरी से निकाल देने को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। ये सभी महिला कर्मी ने कई सालों से निगम के क्षेत्र में सफाई कार्य में सराहनीय योगदान देकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते आ रहे थे, लेकिन आउटसोर्सिंग के नाम पर सभी मजदूरों को एवं कर्मियों को बाहर निकालकर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ निकाले गए कर्मियों का ना तो वेतन भुगतान दिया गया है, ना ही उसका कोई सूद लिया गया है। अगर हम सब सफाई कर्मी की बात अगर नहीं सुनेंगे तो आगे हम सब 25 सितंबर को रांची में धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिसकी जवाबदेही नगर निगम एवं झारखंड सरकार की होगी। हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम है ये। हम लोग पिछले 21 तारीख को ये घोषणा किया था आंदोलन का। यहाँ सफाई मजदूरों के साथ इतना अन्याय और इतना गलत व्यवहार हो रहा है। आज मजदूर जो कई वर्षों से यहाँ कार्यरत था, आज उसको नौकरी से हटा दिया गया एक कंपनी के चलते। और क्या कंपनी ये सक्सेस करेगी सफाई कार्य में, ये तो मुझे नहीं पता, पिछले बार भी देखा जा चुका है। लेकिन ये सफाई कर्मी आज भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। सभी लोग वर्षों से यहाँ कार्य करके निगम के सफाई कार्य कर रहे थे, आज इन लोग बेघर और बेरोजगार हो चुके हैं, जिन्हें रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। आज सभी के चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। इस बीजेपी सरकार में जहाँ लोग रोजगार देने का वचनबद्ध है, आज यहाँ वही बीजेपी की सरकार में सभी मजदूरों का, जो दलित अति पिछड़े वर्गों से है, सभी को बेरोजगार कर दिया गया है। और इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की मुख्य मांगे हैं कि ये कंपनी को भगाइए और निगम स्तर से अपना सफाई कार्य सफाई मजदूरों को रखकर सफाई कार्य